नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और नए एक वीडियो में। जैसा कि ये लोग देख रहे हो, आप डीवार कंपनी का ओरिजिनल जो 801 मॉडल का ग्राइंडर मशीन आता है, इसको हम लोग करने वाले हैं रिपेयर। एक बार इसको चालू करके आपको चेक करके बता देता है मैं। यहाँ से कुछ मैं सबसे पहले इसको सीरीज बोर्ड में चालू करूँगा, तो ये देख सकते हैं फ्लो स्पीड में सीरीज में चल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा स्पार्किंग हो रहा है। इसको ज्यादा देर नहीं चलाया जा सकता है और इसमें ये प्रॉब्लम आर्मेचर की है। फिर भी चलिए इसको खोलते हैं। यहाँ से कुछ जो इसमें पुराने कार्बन लगे हुए हैं इनको बाहर निकाल देंगे। इस तरह से मैंने इसके जो ऊपर के ये कैप थे इनको यहाँ पर तो स्क्रू लगे रहते हैं यहाँ पर होल में, तो इनको मैंने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को खोल के मुझे बताना भी पड़ा था, ये मेरे पास रिपेयर में आया था। इस तरह से इसमें स्क्रू वगैरह लगे थे। कैप निकाल करके दोनों साइड के कार्बन निकाल देना है। और देखिए यहाँ पर चार ये गियर बॉक्स में चार स्क्रू लगे रहते हैं, तो इसमें दो लगे हुए हैं क्योंकि दो मैंने पहले से खोल दिया था ऑलरेडी। अभी देखिए यहाँ से इस तरह से आपको चारों स्क्रू को खोल लेना है। और आर्मेचर चेंज करने का बिल्कुल इजी प्रोसेस है। मैंने आपको इस ग्राइंडर में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया है वीडियो में आगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। और इस तरह से हमको इसका आर्मेचर बाहर निकाल लेना है। देखिए इसका कम्यूटेटर काफ़ी मात्रा में घिस चुका है और इस तरह का अगर स्पार्किंग होने लगता है तो इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो फिर नया पूरा इसका वाइंडिंग होता है और या फिर नया तैयार मिल जाता है। तो वाइंडिंग करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए रेडीमेड सेम रेट में ही पड़ जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हो इतना ज़्यादा कहीं से ये खराब नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है। ठीक है, तो भी यहाँ से 10 नंबर का एक पाना लेके और यहाँ से जो ऊपर वोल्ट लगा हुआ है इस वोल्ट को खोल के इसका गियर बैरिंग निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो बैरिंग है ऊपर की साइड 608 नंबर बैरिंग लगी रहती है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, और पीछे की साइड इसमें 607 नंबर का बैरिंग लगा रहता है, उसको भी मैं दिखा दूंगा। पीछे वाला बैरिंग निकालने के लिए कुछ इस तरह से हमको ये बैरिंग रिमूवर कूलर का जरूरत पड़ता है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। इस तरह से इसका पीछे का जो बैरिंग है इसको निकाल लेंगे। 608 नंबर का बैरिंग तो निकल आता है, दोनों साइड से स्क्रू ड्राइवर लगा देना होता है अगर ज़्यादा फुट है तो। और इन बैरिंगों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ से देखिए दिखा देता हूँ इस बैरिंग को भी, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये 607 नंबर का बैरिंग इसमें पीछे यूज होता है। अच्छा, बैरिंग अगर ख़राब हो तो आपको चेंज कर देना है। इसमें बिल्कुल सही है बैरिंग, तो मैंने नहीं चेंज किया हुआ है। और ये देखिए मैंने दो टाइप के आर्मेचर ले रखा है, एक तो टर्बो कंपनी का आर्मेचर है, ये देख सकते हो यहाँ से काम दोनों का सेम है, टर्बो का है और एक आइडियल का है जो DCA का बनाता है। और इसका फिनिशिंग देख लीजिए, और इसको भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन ये आइडियल का DCA का और इस टर्बो वगैरह से थोड़ी कॉस्टली थोड़ी महंगा पड़ जाता है, और थोड़ी इसका जो मटेरियल है वो हैवी रहता है। आप दोनों में फर्क देख लीजिए। जो थोड़ी वायरिंग होती है वो इसकी अच्छी रहती है, फिनिशिंग अच्छी रहती है। और जलने को तो देखिए ओवरलोड यदि अगर ज़्यादा चलाते हैं तो कोई सा भी जल जाता है। इसका कम्यूटेटर देख लीजिए, तो मैं इसमें आइडियल का यूज करने वाला हूं क्योंकि ये डीवाल्ट कंपनी का ओरिजिनल ग्राइंडर है और इसमें हम अच्छी क्वालिटी का आर्मेचर डाल देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और ये टर्बो वगैरह का जो रहता है वो मिनिमम रेंज में, जो कम रेंज में ग्राइंडर वगैरह मिल जाते हैं उनमें पड़ के आता है। और इससे सबसे ऊपर का जो आता है वो इसका डीवाल्ट का ओरिजिनल आर्मेचर आता है। आप चाहो तो ओरिजिनल ला के डाल सकते हो या फिर मीडियम में डाल सकते हो, जैसे DCA का है और आइडियल का है काफ़ी कंपनियों का।
तो मैं ये आर्मेचर इसके अंदर यूज करता हूँ। इसको डाल देंगे तो थोड़ी जल्दी ख़राब होने के चांस कम रहते हैं। रेट की अगर बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर रेट आपको दे दूंगा। देखिए रेट क्या होता है कि एरिया बाई एरिया, देखिए जो हमारा जो बैरिंग लगेगा ना वो 607 नंबर का बैरिंग कुछ यहाँ पर इस टाइप से इसको सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं CM4 का एक पुराना गियर पड़ा हुआ है उसको ऊपर से रख लूँगा और इसको ठोकर मारेंगे। इससे पहले बता दूं कि देखिए जो बैरिंग का अंदर वाला गोल वाला भाग रहता है, इस भाग में हमारा ये टच होना चाहिए गियर। कुछ भी आप ले सकते हो इस साइज का, क्योंकि बाहर वाले भाग के अगर बैरिंग पे लग गया हमारा हाथ थोड़ी ठोकर मारने में तो हमारा बैरिंग खराब हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ठोकर मारेंगे। और रेट का मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डिक्लेयर करता हूँ वीडियो में, क्योंकि देखिए अलग अलग एरिया के हिसाब से रेट कम ज़्यादा हो सकता है 10-50 आगे पीछे। ठीक है, अभी मैं आज की डेट में ये वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, और यदि अगर एक साल बाद कोई देखता है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली वो तो बढ़ ही जाएगा, इसलिए रेट यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। आपको रेट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर से देखिए ये जो कवर लगा रहता है 607 नंबर के ऊपर, ये ज़्यादा अगर लूज हो बॉडी में पीछे तो आपको कपड़ा लगा देना है कटिंग करके बैरिंग के कवर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीछे अगर ज़्यादा लूज हो जाता है, बॉडी पीछे का ख़राब हो गया जहाँ पर हमारा बैरिंग सेट होता है, तो क्या है फिर आर्मेचर थोड़ी बहुत स्पार्किंग बताता है। फिट करते वक्त ध्यान रखना है कि कवर के साथ में बैरिंग अंदर फिट हो जाए। कभी कभी फिट करने में पीछे की साइड जो कवर लगा रहता है वो क्रॉस हो जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए जो कॉइल कवर रहता है इसमें 4 खांचे बने होते हैं, इस तरह से हम ये आर्मेचर को फिट कर देंगे। ये हमारा हो गया सेट। अभी चलिए इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर थोड़ी ग्रीस यूज कर देते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो और इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अब देखिए इसको यहाँ से फिट करके और 2 स्क्रू मैं इसमें फिट करूँगा टेस्टिंग के लिए, बाद में फिर कम्प्लीट 4 स्क्रू डाल देंगे। तो कुछ इस तरह से मैं 2 स्क्रू इसमें फिट करूँगा और एक बार इसको कार्बन डाल करके टेस्टिंग करूँगा। चलिए 2 स्क्रू मैंने फिट कर दिया है। अब देखिए इसको घुमा के देखते हैं तो ये ग्राइंडर हमारा पूरा जाम हो गया। यही थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, हो सकता है आपके साथ ऐसा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हमको वापस खोलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा जाम हो रहा है। अब अगर हमने इसको चला दिया तो हमारा आर्मेचर आगे शॉर्ट हो सकता है, जाम नहीं रहना चाहिए। हमको सीरीज बॉक्स में हमारा एंगल ग्राइंडर है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके दोनों स्क्रू वापस से खोलते हैं और क्या करना है मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से ये दोनों स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, इसका ये गियर बॉक्स इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। आर्मेचर को हमको वापस निकालना है और ये जो हमारा पैन है लगा हुआ ये हमारा कॉइल कवर के ऊपर यहाँ पर टच हो रहा है यहाँ पर। अब अगर हम इसको फिट करके डायरेक्ट चालू कर देते एंगल ग्राइंडर को तो पीछे का कवर और फैन दोनों चिपक जाते, और यहाँ पर देखिए इसको हिलाते हैं तो थोड़ी सी गैप है, तो हम ये जो फैन है ना इसको ऊपर की साइड को जिधर हमारा बैरिंग लगा है उधर की साइड थोड़ी सी खिसका देंगे इसको। तो इस तरह से आपको संभालना है, ये वायर में नहीं लगना चाहिए, और इस तरह से यहाँ से ठोकर मार के हम इसको थोड़ी सी फैन को नीचे की साइड खिसका देंगे ताकि हमारा कॉइल कवर के साथ में फैन टच नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सीखने वालों के लिए। इस तरह से ठोकर मार के थोड़ी इसको फ्री कर देंगे। अभी देखिए ज़्यादा गैप नहीं रह जाएगा, एक बार फिट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ देख लेना है आपको कवर हमारा बराबर अंदर सेट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ तो रिग घूम रहा है। अब इसका एक बार गियर बॉक्स लगाते हैं
बहुत सारे लोग हैं इसको किसी तरह से उल्टा सुल्टा फिट कर देते हैं, आपको देख लेना है या दीवार पे ऊपर की तरफ लिखा होना चाहिए इस तरह कुछ इसका सेटिंग करना है। चलिए हम दो स्क्रू वापस से फिट करते हैं इसमें। ये लीजिए मैंने दोनों स्क्रू फिट कर दिए हैं। अब देखिए इसको घुमाते हैं, ये दीजिए ये बिल्कुल फ्री हो गया है। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। अब हम चलिए इसके अंदर कार्बन, पुराना कार्बन तो यूज करेंगे नहीं, नया आर्मेचर डाल रहे हैं तो लाजमी है कि हम नया कार्बन डाल दें, बेहतर रहेगा। इस तरह से मैंने ये लिया हुआ है ड्यूअल का कार्बन और इसको इसके अंदर हम लोग डालेंगे। ये पिनें लगी रहती हैं, पिनों को भी फंसा देना होता है, लेकिन पहले हम इस तरह से ये कार्बन फंसा देते हैं और एक बार इसको टेस्टिंग करेंगे। ये पिन को हम बाद में फंसा देंगे, यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई है इसके अंदर इस पिन को फंसा दिया जाता है। आप चाहो तो इसको कट करके अलग भी कर सकते हो और ये फंसाना चाहो तो फंसा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मैंने ये दोनों साइड के जो कार्बन है ये मैंने डाल दिया। अभी चलिए एक बार इसको टेस्टिंग करते हैं। स्विच हमारा ऑन है, ये देख सकते हो मैंने इसको सीरीज में लगाया है, ये थोड़ी हल्का सा पकड़ के चल रहा है। एक बार इसको स्पीड में चालू कर देते हैं तो ये देख सकते हो कि जैसे पहले स्पार्किंग हो रहा था वैसा अभी बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बार सीरीज में भी डाल के चला के बता देता हूँ आपको, अभी फ्री घूमेगा बिल्कुल। ये देखिए जो हमारा सीरीज बोर्ड होता है, सीरीज बोर्ड का वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे और आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा, आप सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं चेक करने के लिए आप वहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखिए हम दोनों तरफ से घुमा के देख लेते हैं तो हमारे ग्राइंडर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब चलिए जो बाकी का पार्ट्स इसका बचा है फिटिंग करने के लिए वो भी फिट कर देते हैं। तो ये पिन को यहाँ पर फंसा देंगे और इसके कार्बन के ऊपर जो दो ब्लैक कलर के कवर लगे रहते हैं उनको भी फिट कर देंगे और जो दो हमारे स्क्रू गियर बॉक्स में बाकी हैं उनको फिट करके फिर बाद में एक बार इसको और चलाते हैं। थोड़ी सी 2-4-5 मिनट ये आर्मेचर वगैरह डालने के बाद हमको ग्राइंडर को अच्छी तरह से चला के देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फेल कॉइल के साथ आर्मेचर टकराने लगता है, वो हमें को नहीं मालूम पड़ता है। बाद में हम रिपेयर करके यदि अगर दे देते हैं कस्टमर को तो क्या है, बाद में वो ज़्यादा देर तक चलता है तो गर्म होने लगता है। तो हमको यहाँ से 5-7 मिनट चला लेना है, अगर ग्राइंडर ज़्यादा गर्म होता है तो फिर हमको वापस से खोल करके एक बार टेस्टिंग कर लेना है। टकराना नहीं चाहिए फेल कॉइल आर्मेचर को आपस में, ऐसा बहुत हो जाता है जिसके कारण से वो वापस से ख़राब हो जाता है। अब देखिए दोनों साइड के इस तरह से कुछ पिन लगा दिए हैं और जो इसके स्क्रू वगैरह है उनको फिट कर देते हैं। तो दो यहाँ के हमारे गियर बॉक्स के रह गए हैं, बाद में हम इसको एक बार वापस चालू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझे थोड़ी टाइम कम मिल पाता है इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी जल्दी जल्दी नहीं डाल पाता हूँ। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी जानकारी मेरे पास में रहेगी, जो भी मशीन रिपेयर करूँगा जो नया होगा उसका वीडियो मैं ज़रूर बना करके डालूँगा। एंगल ग्राइंडर है इसके तो बहुत सारे आपको वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं मिल जाएंगे, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई जानकारी आपको हर वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ से दोनों साइड के देखिए जो कवर हैं उनको हमने फिट कर दिया है। चलिए एक बार फाइनली और चालू करके देख लेते हैं। ये देखिए ये ग्राइंडर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है और बिल्कुल ओके चल रहा है। और मेरा एंगल ग्राइंडर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है पूरा, उसमें फेल कॉइल आर्मेचर चेंज करने का सभी प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।